हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे कुकिंग ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो रेसिपी बना रहे हैं वो है स्वीट कॉर्न पोटैटो चीज़ बॉल। तो फिर चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। ये दो आलू लिए हैं उबले हुए, कॉर्न है उबला हुआ 1 कप। इसको हम हल्का सा ग्राइंड कर लेते हैं। इधर आलू को हम हल्का सा कद्दूकस कर ले रहे हैं। अब हम इन दोनों को मिला देते हैं। आलू के जगह पे आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं, चावल का आटा भी ले सकते हैं। अब हम इसमें कटा हुआ हरी मिर्च ऐड करेंगे, अदरक ऐड करेंगे, स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर रहे हैं, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। आप इसमें चाहे तो गरम मसाला और धनिया पाउडर, धनिया पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। अब हम चीज़ क्यूब्स को छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। इस तरह से हम काट ले रहे हैं ताकि बॉल के बीच में अच्छे से एडजस्ट हो जाए। अब हम आलू और कॉर्न को लेके इस तरह बीच में गड्ढा कर करके उसमें चीज़ ऐड कर रहे हैं और अच्छे से बंद कर रहे हैं ताकि वो लीक ना हो साइड से। और इसमें ब्रेड क्रम्ब को लपेट रहे हैं। आप चाहें तो इसमें ये मैदे का घोल बना करके भी लगा सकते हैं अगर वो डीप फ्राई करना है तो। इसी तरह से सारे बॉल्स हम बना लेंगे। अब हम अपने पैन में हल्का सा ऑयल ऐड कर लिए और एक एक करके बॉल्स में रख देंगे। इसको डीप फ्राई हम नहीं कर रहे हैं और इसको मीडियम फ्लेम पे हल्का हल्का पकाएंगे और ऊपर से भी ऑयल लगा देते हैं हम इसमें। ये बच्चों को लंच बॉक्स के लिए, इवनिंग स्नैक्स के लिए बहुत ही अच्छा है। इसको हम बीच बीच में पलटते रहेंगे और अच्छे से चारों तरफ से हम सेक लेंगे। इसको मीडियम फ्लेम पे पलट पलट के चारों तरफ हम अच्छे से सेक लेंगे। फिर बीच वाला हम हटा रहे हैं क्योंकि बीच में ज़्यादा हीट लगता है तो जल्दी से ब्राउन हो जाता है वहाँ पे। अब ये बन चुका है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इसे सॉस के साथ, धनिया पत्ता की चटनी के साथ।